हाय एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू सी एक्स प्लस टी की पावर एम का। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फंक्शन को लेट कर लेता हूँ, लेट एफ एक्स इक्वल लेट कर लेता हूँ मैं इस फंक्शन को ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम को। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में ए एक्स प्लस बी की पावर एन को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान लिया। कोई फंक्शन हमारे पास है डी अपॉन डेरिवेटिव करना है हमें यू इंटू वी का। ओके, तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और इनका डेरिवेटिव करेंगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करूँगा। देखिए मैं यू की जगह हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन एज इट इज रहेगा हमारे पास, हमें डेरिवेटिव वी की वी का करना है, वी का जगह क्या है सी एक्स प्लस डी की पावर एन, तो डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी की पावर एम का। ओके, प्लस फिर वी एज इट इज, वी की जगह हमारे पास क्या है सी एक्स प्लस डी की पावर एम एज इट इज, फिर हमें डेरिवेटिव किसका करना है, हमें डेरिवेटिव करना है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की पावर एम का। ओके, ए एक्स प्लस बी की पावर एन का। ओके, अभी हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। देखिए पहले पावर सोल्व करेंगे हम, अगर हमें डेरिवेटिव करना है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का, तो ये पहले पावर आगे आती है, फिर एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है ये, फिर हम डेरिवेटिव करते हैं एक्स का। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर इनका डेरिवेटिव करेंगे, इसकी पावर एम है पहले पावर सोल्व करेंगे, इसकी पावर एन है तो पहले पावर सोल्व करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की पावर एन तो एज इट इज रहेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर एम आगे आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन। ओके, और फिर हमें डेरिवेटिव, अभी इसकी पावर सोल्व की है, अभी इसका डेरिवेटिव करना है हमें सी एक्स प्लस डी का। ओके, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर ये तो एज इट इज़ है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी की पावर एम एज इट इज़ है, फिर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो इसकी पहले पावर सोल्व होगी तो पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में है ये। ओके, इसकी पावर आगे आ जाएगी, पावर क्या है एन, एन आगे आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर कितना हो जाएगा एन माइनस वन, और फिर हमें डेरिवेटिव करना है इसके अंदर जो है, अंदर क्या है यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ओके, इसका डेरिवेटिव करना है डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए एक्स प्लस बी ये एज इट इज रहेगा हमारे पास एन, एन ये पावर एम है, ये भी एज इट इज रहेगा एम इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन। ओके, अभी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए हमारे पास सी कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन, और डी का डेरिवेटिव करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास सी कॉन्स्टेंट है तो सी एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, और यहाँ पर डी है, डी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। ओके, प्लस में हमारे पास क्या है यहाँ पर सी एक्स प्लस डी की पावर एम। ओके, और इंटू में यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ओके, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिए ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा। ओके, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन, प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो। ओके, तो अभी हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख देंगे,
बाकी हमारा डेरिवेटिव हो चुका है, जो कॉमन आ रहा है इसमें से वो कॉमन ले लेंगे हम। ओके देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें है हमारे पास सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन, और यहाँ पर है सी एक्स प्लस डी की पावर एम। ओके यहाँ पर है हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर एन, और यहाँ पर है एन माइनस वन। तो एन माइनस वन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन कॉमन लूँगा, और यहाँ से मैं सी एक्स प्लस डी की पावर एन माइनस एम माइनस वन कॉमन लूँगा। ओके एम माइनस वन, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर इसकी पावर एन माइनस वन तो मैंने कॉमन ली है, तो अंदर क्या बचेगा, ये ए एक्स प्लस बी सिंपल ही बचेगा, इसकी पावर एन माइनस वन मैंने बाहर ले लिया, तो इसकी पावर अंदर वन बचेगी। ओके और ये तो कम्प्लीट ही मैंने बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा, ये एम इंटू सी। ओके तो सी एम प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर पावर एम, तो एम माइनस वन तो मैंने बाहर ले लिया है, अंदर क्या बचेगा, पावर वन बचेगी, सी एक्स प्लस डी की पावर वन। ओके और यहाँ पर ये इसकी ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन तो मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये एन और ए। ओके तो यहाँ पर बच रहा है हमारा ए एन, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।